नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बीस अगस्त से यात्री बस चलाने के लिए राज्य शासन ने निर्देश जारी तो कर दिए हैं, लेकिन नगर में अभी भी यात्री बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। बस संचालक टैक्स माफ करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शासन ने कुछ शर्तों के साथ बसों के संचालन की अनुमति तो दे दी है, लेकिन बस ऑपरेटरों द्वारा मांगी गई राहत नहीं मिलने से वे बसें चलाने को राजी नहीं हैं। इससे ग्रामीण अंचल के वे लोग खासे परेशान हैं जिनके पास वाहन नहीं है। पूरी क्षमता के साथ बस संचालन के आदेश शासन स्तर से हो चुके हैं, लेकिन बस संचालकों के निर्णय का इंतजार है। बस संचालक बाबूलाल जैन आशीष जैन ने कहा कि शासन से आदेश जारी हुए हैं, लेकिन बीमा टैक्स किराया वृद्धि सहित अन्य मांग की जा रही है जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। उक्त मांगे पूरी होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मांगों के स्वीकृत होने के बाद 1 सितंबर के आसपास ही बसों का संचालन हो सकता है। अगर मांगे नहीं मांगी गई तो यात्रियों को अभी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़वा से सागर जाट की रिपोर्ट। शासन ने आज दिनांक तक हमारा किसी प्रकार का टैक्स माफ नहीं किया और उसके बाद डीजल में 18 रुपए लीटर का भाव वृद्धि हो गई है। वो भी डीजल शासन ने आज तक हमें कुछ किराया वृद्धि नहीं की एवं चालक परिचालक संघों को किसी प्रकार से कोई राहत पैकेज नहीं दिया है। हम शासन से ये निवेदन करते हैं, सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ है। सरकार हमारी पूर्ण जो तीनों चारों मांगे हैं इनको नियमित स्वीकार कर ले तो 1 सितंबर से मोटरें हम पूर्ण रूप से चालू करने की। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।